नमस्कार, ईटीवी नाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं, प्रशांत पांडे। हमारे साथ हैं रोहन मेहरा, जिन्हें किसी तारुफ की दरकार नहीं। हर दिन के साथ इनसे जुड़ी खबरें, इनसे जुड़ी चर्चाएं लगातार तैर रही हैं। वेलकम टू ईटीवी रोहन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। पहली फिल्म और लगातार आपको एक तरह की वार्म फीलिंग मिल रही है, मीडिया से हो, लोगों से हो, तो ये दौर कैसा है जरा बताइए। अभी सर दौर ऐसा है कि आई एम फीलिंग बहुत सारा नर्वस, एक एक्साइटमेंट भी है, पर उससे ज़्यादा बहुत इम्पेशेंट मुझे महसूस हो रही है सर, बिकॉज आई वांट पीपल टू गो सी द फिल्म राइट नाउ। जी चलिए, बाजार का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में आता है कि यार एक ऐसी मार्केट हम सबकी ज़िंदगी में जहाँ से हम अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेते हैं। आप एक ऐसे मार्केट में हैं जहाँ आपकी पसंद और प्रायोरिटीज़ बहुत सी बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ये भी देखना है कि आप आगे भी बढ़ें और किसी को कुछ तकलीफ भी ना हो, लेकिन यहाँ जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए सब्जेक्ट। जी, सब्जेक्ट तो काफ़ी एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि बाज़ार, जैसे आपने बोला, एक मार्केट प्लेस है, पर इसमें जो स्टॉक मार्केट प्लेस है उसमें हम पैसे के बारे में बात करते हैं कि चलो हम यहाँ इन्वेस्ट करें, सो द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। और एक हमें एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए भी इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड इन द स्टेक्स आर हाई, एवरी रिलेशनशिप देयर इज अ लॉट मोर दैट कैन कम आउट ऑफ इट। तो आई थिंक द बैकग्राउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ दैट, इज गिविंग अस दैट लिटिल बिट ऑफ समथिंग डिफरेंट बट समथिंग फैमिलियर एज़ वेल, क्योंकि पैसे के बारे में तो हम सब जानते हैं ना, सो बट नो वन रियली नोज़ अबाउट द स्टॉक मार्केट। शकुन कोठारी के साथ काम करना, बड़ा आदमी बनना मेरा सपना है। बड़ी दिलचस्प चर्चा ये है, खबरों में भी बात सामने आ रही है कि फिल्मों से आपका जो जुड़ाव था वो उतना ही था जितना आप जानते थे या जितना आप जिसके लिए ट्रेन हो रहे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आपके प्रोफाइल में है, तो इसका क्या राज है, कहाँ मुड़ गए आप? नहीं, प्रोफाइल में है, पर प्रोफाइल में होना चाहिए था इसलिए क्योंकि मैं बाद में जाके उसको परस्यू नहीं किया। अभी ऐसा था, जब मैं छोटा था, जब मैं मेरी अपब्रिंगिंग में, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन स्कूल, मेरा सपना ये था कि मुझे एक बड़ा होकर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का है, इसलिए बिकॉज आई रियली लाइक मैथ्स। मैं स्कूल में काफ़ी एक अच्छा स्टूडेंट था, आई वॉज गुड इन लाइक यू नो आई वॉज डिसेंट इन दैट, और बिकॉज आई लिव्ड इन मुंबासा, यानी जो इंडिया से बहुत दूर है, बॉलीवुड से बहुत दूर है, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर है, वो मैं उसका ये एक्टर देखने का सपना भी नहीं ले सकता था। नो वन रियली न्यू बट यू नो यू कैन ग्रो अप एंड बिकम एन एक्टर और समथिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या यूनिवर्सिटी या एक डिग्री टू अटेन दैट वॉज माई ड्रीम। अभी इतफाक से ऐसे हुआ दैट आई एम डूइंग बाजार, जिसमें एक स्टॉक ब्रोकर का रोल निभा रहा हूँ, तो लाइफ इज वियर्ड, आई थिंक तकदीर का ही खेल होता है ना। हम यहाँ स्ट्रगल करने नहीं, सेटल होने आए। टीम के हर नए खिलाड़ी के लिए एक सीनियर खिलाड़ी उसका खुदा होता है। बाजार से पहले क्या कुछ हो रहा, जैसे मुंबासा का आपने जिक्र किया, तो मुंबासा के दिन क्या थे आपके? मुंबासा के दिन बहुत अच्छे थे, मैं उनको आई रियली वैल्यू देम। आज तक मैं केन्या का ये ब्रेसलेट पहनता हूँ बिकॉज जस्ट टू रिमेंबर वेयर आई एम फ्रॉम। तो बहुत ही सिंपल थी, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग का दिन होता है, जैसे आप स्कूल जाओ, वापस आओ, होमवर्क करो, दोस्तों के साथ खेलो, वैसे ही था। यस, हमारे पास वहाँ एक ही सिनेमा था, वो सिनेमा में एक ही स्क्रीन, तो वैसे ही था दैट एक बहुत, जैसे रिजवान अहमद इलाहाबाद से, और हम फिल्म में बोलते कि एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का है, इलाहाबाद का लौंडा है, पर अगर इलाहाबाद एक छोटा शहर, फिर मुंबासा एक गांव है, ऑनेस्टली मतलब वो छोटा शहर से कम है क्या, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। बट आई रियली एंजॉयड इट, आई लुक एट इन वेरी फॉन्ड मेमोरीज। अच्छा, मुंबासा की बात अब जब आप कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि छोटे शहर की एक सबसे, या छोटे इलाके की सबसे खास बात ये थी कि आपको ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी मिलती है, आपको वक्त होता है बहुत, तो मानते हैं कि वहाँ बिताए दिनों ने आपको बहुत बड़ी मदद की चीज़ों को बारीकी से देखने में। डेफिनेटली, अगर आप एक छोटे शहर से हैं या जैसे आप एक छोटे इलाके से हैं, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन दी आउटसाइड लुकिंग इन। जैसे जब मैं वहाँ रहता था, मेरा सपना ये था दैट आई ऑब्वियसली वांट टू बी इन्वेस्टमेंट बैंकर। दूसरी बात ये थी दैट आई वांटेड टू ग्रो अप एंड मूव टू अ सिटी, तो हमारे लिए ऐसे ही था दैट आई वांट टू ग्रो अप एंड मूव टू अ सिटी, सिटी इज़ वेयर इट्स एट, सिटी इज़ वेयर एवरीथिंग हैपेंस, सो यू गेट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, और कोई, यू आर ऑलवेज लुकिंग आउट, यू आर नेवर लुकिंग इन, सो इट्स, या यू गेट पर्सपेक्टिव आई गेस। चलिए, आपके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है विनोद मेहरा साहब का, छोटा सा करियर स्पैन और बहुत जल्दी वक्त ने उन्हें हमसे दूर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस छोटे से स्पैन में पर्दे पर या पर्दे के बाहर विनोद मेहरा
एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पे जाने जाते रहे, वो चीज आपके साथ जुड़ी रही हमेशा? बिल्कुल सर, जब मैं यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुआ, पहले तो हुएवर आई मेट वो मुझे यही बोलते थे कि आपके डैडी बहुत अच्छे इंसान थे, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग. और इज नॉट सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी रिमेम्बर्ड बाय, दैट यू आर अ नाइस पर्सन, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ, यू नो, आई फील रियली गुड अबाउट इट दैट दे रिमेम्बर हिम लाइक दैट. तो जब आप बड़े हो रहे थे, जाहिर सी बात है डैड्स की फिल्में तो देख ही रहे थे, उसके अलावा कौन सी फिल्में थीं जो बड़ी क्लोज हो गई आपसे, या जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जाहिर सी बात है बहुत सी फिल्में उस दौर में भी आप देख रहे होंगे? जी सर, जब मैं मुंबई में था, जो भी वो प्ले करते थे सिनेमा में, एक ही सिंगल स्क्रीन में वही देखता था, कुछ और मतलब ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास. पर बाजार के प्रिपरेशन के लिए आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स फ्रॉम याशीज एंड द लेट 70s, क्योंकि हमारी कहानी इट्स matches at that time. I mean, it's a very classical Bollywood story. So Trishul was a big one I watched, Deewar obviously. Yeah, those kind of films, I'll be honest with you. Main Mumbai aapke saath kaam karne aaya tha. Chokro hoshiyar che. Welcome to Mumbai, Rizwan Ahmed. Bazaar की शुरुआत जब हुई, फिल्म रिलीज की दहलीज पे है, और इन सब के बीच में मेरे ख्याल से बहुत कुछ बदल भी गया होगा, मतलब आपकी रूटीन में, तो ये सब क्या, ये जैसे प्रमोशंस की बात करें, इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से जो मुंबासा की जिंदगी थी उसमें थोड़ा सा टाइम मिलता था, वो टाइम नहीं मिल रहा है, शेड्यूल बन जा रहा है, तो इस जिंदगी को किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो कुछ मिस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस तरह से हाउ इट्स कम टू मी, that easily it can go as well. Mm-hmm. So life, zindagi kuch aise hi hai na, life kuch aise hi, that you have to just enjoy every moment. To main zyada past ke bare mein sochne ya future ke bare mein itna bhi nahi, bas in the present I'm just trying to enjoy it. Trailer ne hi bade bade, chahe saif ho chahe bade bade actors ho, wo sabhi aapki tareef kar rahe hain. To kaun se log aa rahe hain ya kis tarah ki kahaniyan aap tak aa rahi hain? Secrecy agar barqarar rakhein uske bawajood. No, there are a number of people, touch wood, that are coming in and speaking to me, different kinds of scripts, different kind of directors, but unfortunately aaj uske bare mein itna zyada baat nahi kar sakta hu, because it's jo Bollywood ka disclaimer hota hai ki aap agar shayad if I talk aaj chahe wo picture mujhe mili nahi, then it's not worth it. But I feel very blessed ki I'm getting some people coming in, you know, offering me things and wanting to, not offering but wanting to speak to me about something, so ek I feel like I'm on the right path. चलिए, फिल्मों में एक्टिंग इन सब के अलावा रोहन मेहरा क्या करना पसंद करते हैं, या उन्हें मतलब उनका दिन कैसे गुजरता है? आज मतलब फिलहाल तो अभी इस महीने में बस बस प्रमोशंस और इंटरव्यूज, बट यूजुअली आई रियली लाइक म्यूजिक, तो मैं गिटार बजाता हूँ, आई कंपोज माय ओन म्यूजिक, तो उसमें काफ़ी टाइम मेरा जो दिन का 24 घंटे, I give a lot of that time to playing guitar and making music. अच्छा, एक compliment भी है, और बहुत सारी चीज़ें observation के तौर पर नज़र आ रही हैं, आपकी आवाज़ गज़ब की है, वो एक आवाज़ का जो वज़न है वो नज़र आ रहा है, तो क्या जिस तरह से आजकल बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं हॉलीवुड की फिल्मों में डबिंग कर रहे हैं, या ग्रेट कैरेक्टर्स, तो अगर ऐसा कुछ आप तक आता है, इंटरेस्टिंग है, तो आप करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, अगर इंटरेस्टिंग है तो मैं कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग में करूंगा सर, इंटरेस्टिंग जो शब्द आपने यूज किया है, इट्स द मेन वन, अगर मुझे इंटरेस्टिंग कुछ भी लगे देन होपफुली आई विल डू इट हियर. अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें यह है कि आजकल वेब सीरीज हो या फिर राइटिंग भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, तो लिखना पसंद है, करते हैं? जी सर, मुझे लिखना भी पसंद है, पर राइट नाउ ओनली फोकसिंग ऑन एक्टिंग, बट लिखना पसंद है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो लेट्स सी, यू नो. अच्छा, कौन से ऐसे एक्टर्स थे जिनका ड्रीम डेब्यू आपने देखा, या लगा कि यार इस तरह का डेब्यू किसी का हुआ हो, और कुछ इस तरह से सपना आपने अपने लिए देखा हो? गुड क्वेश्चन. आई थिंक रिसेंटली जब मैं छोटा था, वॉचिंग ए फिल्म कॉल्ड कंपनी बाय राम गोपाल वर्मा, जिसमें विवेक ओबरॉय और अजय देवगन थे, एंड आई थॉट विवेक ओबरॉय रोल वॉज सुपर्ब, क्योंकि इट वॉज वेरी सिमिलर टू नाउ इन द पोजिशन आई एम एट, दैट यू नो यू हैव एस्टैब्लिश्ड एंड न्यू कमर, तो या सो दैट्स मे बी दैट्स द फिल्म. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं कि बाजार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपके कैरेक्टर को पसंद करें, और पर्दे पर ये तस्वीर बेहतर और बेहतरीन बने, आगे के सफर के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू. याद रहे मेरे दो ही रूल हैं, रूल नंबर वन, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर टू,
नंबर वन कभी भूलना नहीं। तू इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे।